हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी पी डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध का है जिसमें को हम आज से शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले इसके मेजर टॉपिक देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से टॉपिक हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है भारत और उसके पड़ोसी देश, दूसरा आता है भारत चीन पूर्व एशिया, भारत पश्चिम एशिया, भारत रूस मध्य एशिया, पांचवा आता है भारत और इंडो पैसिफिक, छठवा भारत रूस, सातवा भारत अफ्रीका, आठवा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन के बारे में, और नौवां टॉपिक आता है सुरक्षा से संबंधित मुद्दे, और दसवीं में विविध और ग्यारहवीं में सुर्खियों में रहे सैन्य अभ्यास के बारे में। हम एक एक करके हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। अब इसमें पहला टॉपिक आता है भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में। चलिए तो सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों के नाम देख लेते हैं। पड़ोसी देशों के नाम में सबसे पहले आता है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, चीन की बीजिंग है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, नेपाल की काठमांडू, म्यांमार की नेपिटो और भूटान की थिम्पू है, और अफगानिस्तान की काबुल है। ये भारत के पड़ोसी देश है। अब इसमें सबसे पहले पहला जो सेकेंड नंबर पर पड़ोसी देश आता है चीन, उसके बारे में पढ़ते हैं कि भारत और चीन के बीच क्या सुर्खियों में संबंधित मुद्दे रहे, या और क्या इस ईयर इनमें बदलाव हुए, क्या इन पर विचार किए गए। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। सुर्खियों में क्यों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप सीमा पर झड़पों की सूचना मिली है, यही सुर्खियों में रहा है। अब इसमें सीमा की विवाद का कारण क्या रहा है। भारत और चीन के बीच की सीमा पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है। इसके अलावा सीमा पर कुछ हिस्सों को लेकर पारंपरिक रूप से सहमत कोई एलएसी भी नहीं है। मतलब सीमा विवाद का कारण क्या रहा है कि स्पष्ट रूप से एक तो सीमा नहीं है, और दूसरा क्या है कि इसके कुछ हिस्सों पर पारंपरिक रूप से कोई सहमत एलएसी भी नहीं है, वास्तविक नियंत्रण रेखा भी नहीं है, और स्पष्ट सीमा भी सीमांकित नहीं है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा अस्तित्व में आई थी। कब इसका वास्तविक नियंत्रण रेखा कब आई थी, 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद। अब इसके जो भारत चीन के जो क्षेत्र हैं उनको तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, एक पश्चिमी क्षेत्र, एक मध्यवर्ती क्षेत्र और एक पूर्वी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं, यह सीमा विवाद 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा जॉनसन रेखा से संबंधित है। ये जो पश्चिमी क्षेत्र है यह कब कहाँ था, 1860 के दशक में जॉनसन रेखा से संबंधित है, जो कुनलुन पर्वत पर विस्तृत है और अक्साई चीन को जम्मू कश्मीर की तात्कालिक रियासत में शामिल करती है। ये जो इसमें दिखाया गया है लद्दाख के क्षेत्र में बैग ओल्डी, इसका ये सर्कल के रूप में इसको प्रदर्शित किया गया। इसमें भारत का रुख क्या है और चीन का रुख क्या है। भारत का रुख, भारत द्वारा जॉनसन रेखा को मान्यता प्रदान करते हुए अक्साई चीन पर अपना राज्य क्षेत्र होने का दावा किया गया है, और चीन का रुख है कि वह इस रेखा को स्वीकृति प्रदान नहीं करता, कि इसके बजाय वह मैकडोनाल्ड रेखा को स्वीकार करता है जो अक्साई चीन को उसके नियंत्रण में दर्शाती है। अब आता है मध्यवर्ती क्षेत्र, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में स्थित है, जिसमें इस क्षेत्र में अत्यल्प विवाद है। इस अंचल में बाड़ाहोती जिला चमोली उत्तराखंड मैदान के कुछ इलाकों को छोड़कर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई विवाद नहीं है, और इस पर भारत और चीन परस्पर आदान प्रदान किए गए मानचित्रों को व्यापक रूप से सहमत है। पूर्वी क्षेत्र आता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बीच में। इस क्षेत्र में 1914 में भारत चीन और तिब्बत के बीच विवाद प्रतिनिधियों की शिमला बैठक में निर्धारित मैकमोहन रेखा से संबंधित है। भारत का दावा है कि मैकमोहन रेखा के अनुसार तवांग ट्रस्ट का भाग भारत का अभिन्न अंग है, और चीन का दावा है कि तवांग ट्रस्ट उसका हिस्सा है। मतलब ये जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र है वह एक विवादित क्षेत्र है, और उसमें चीन का दावा है कि यह मेरे ट्रस्ट के अंतर्गत आता है, और भारत का दावा है कि यह मेरे ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं भारत और चीन के बीच सीमा विवाद निपटान तंत्र कब कब स्थापित किए गए। सबसे पहले 1993 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति एवं संयम बनाए रखने हेतु समझौता किया गया। 1996 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता किया गया। 2005 में वास्तविक नियंत्रण रेखा में सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों के कार्यान्वयन हेतु
साधनों पर प्रोटोकॉल तैयार किया गया और 2012 में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय हेतु एक कार्यकारी तंत्र की स्थापना पर समझौता किया गया और 2013 में सीमा रक्षा सहयोग समझौता किया गया। अब भारत चीन संबंध के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, इसमें भारत चीन संबंध में पहला आता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि ऐतिहासिक रूप से रेशम मार्ग ने भारत और चीन के बीच व्यापार मार्ग के रूप में कार्य किया। इसके अलावा रेशम मार्ग ने भारत से पूर्वी एशिया तक बौद्ध धर्म के प्रसार को भी आसान बनाया। दूसरा, भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा साझा करता है। यह सीमा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के साथ लगती है। दोनों देशों के मध्य 135 अरब डॉलर से अधिक मूल्य का द्विपक्षीय व्यापार है और चीन के साथ भारत का व्यापार घटा 100 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और किसी भी देश के साथ भारत का यह सबसे बड़ा एकल व्यापार घाटा होता है। दिल्ली, बीजिंग, अहमदाबाद, गुआंगझोऊ, बेंगलुरु, चेंगडू, कलकत्ता, कुनमिंग, चेन्नई, क्वांझाऊ सिस्टर सिटी संबंध साझा करते हैं। जैसे दिल्ली के साथ बीजिंग, अहमदाबाद के साथ गुआंगझोऊ, बेंगलुरु के साथ चेंगडू, कोलकाता के साथ कुनमिंग और चेन्नई के साथ क्वांझोऊ। वहीं गुजरात और ग्वांगडोंग प्रांत तथा तमिलनाडु एवं फुजियान प्रांत के बीच सिस्टर प्रोविंशियल संबंध स्थापित है। दोनों देश ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन, रूस, भारत, चीन और विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र, G20 जैसे बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य हैं। अब आता है एक चीन नीति, वन चाइना पॉलिसी के बारे में, सुर्खियों में क्यों। वन चाइना पॉलिसी यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर की हाल की ताइवान यात्रा को चीन द्वारा उसकी वन चाइना नीति के उल्लंघन के रूप में देखा गया है। यह किससे संबंधित सुर्खियों में आया है, वन चाइना नीति के उल्लंघन के संदर्भ में। इससे संबंधित तथ्य में आता है कि अमेरिका 1970 के दशक से ताइवान को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता देते हुए वन चाइना नीति का समर्थन करता है। हालांकि ताइवान के साथ उसके अनौपचारिक संबंध भी है। ताइवान के साथ उसकी इस रणनीतिक इरादतन अस्पष्टता की रणनीति के रूप में जाना जाता है। ताइवान द्वीप यूएसए की तथाकथित फर्स्ट आइलैंड चेन का हिस्सा और इस सूची में वे देश शामिल हैं जो अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण हैं। अब देखते हैं वन चाइना नीति क्या है। वन चाइना नीति यह नीति तथ्य की दृष्टि स्वीकृति है कि अलग अलग चीनी राज्यों के बजाय चीनी की केवल एक ही सरकार है। इसके अलावा इस सिद्धांत के तहत विश्व के देश ताइवान, तिब्बत, हांगकांग और सिंजियांग जैसे विवादित राज्य क्षेत्रों को चीनी मुख्य भूमि का ही एक अविभाज्य हिस्सा मानते हैं। फर्स्ट आइलैंड चेन जो यूएसए की है, फर्स्ट आइलैंड चेन में कुरिल द्वीप समूह, जापानी द्वीप समूह, रयूक द्वीप, ताइवान, उत्तर पश्चिमी फिलीपींस शामिल है। यह चेन बोर्नियो तक विस्तारित है। यह चेन रक्षा की एक पहली पंक्ति होती है जो पूर्वी चीन सागर, फिलीपीन सागर, दक्षिणी चीन सागर और सुलू सागर के बीच समुद्री सीमा के रूप में कार्य करती है। इस चेन में बासी चैनल और मियाको जल मंडल स्थित है। ये चीन के लिए महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है। यह है 1951 के अमेरिका द्वारा तैयार की गई आइलैंड चेन स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है और इसके पश्चिमी प्रांत क्षेत्र में नौसैनिक अड्डों की एक श्रृंखला बनाकर तत्कालीन सोवियत संघ और चीन को रोकने का प्रयास किया गया था और इसका उद्देश्य दोनों देशों की समुद्र तक पहुंच को रोकना था। यह इसमें देख सकते हैं कि किस लोकेशन पर है। अब आता है ताइवान के मामले में भारत की स्थिति। भारत 1949 से एक चीन नीति का पालन करता आ रहा है। अभी तक चीन ताइवान के साथ उसका कोई औपचारिक संबंध नहीं है। इसके अलावा 1995 में भारत और ताइवान में राजनीतिक कार्यों के लिए एक दूसरे के यहाँ कार्यालयों की स्थापना की थी। एक कार्यालय मुख्य रूप से वाणिज्य, संस्कृति और शिक्षा पर केंद्रित है। हालांकि 2010 में भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी आक्रामकता में वृद्धि को देखते हुए वन चाइना नीति का अनुसरण करना त्याग कर दिया है। तब से भारत ने ताइवान के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौता और द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए। मतलब कि 1949 में से भारत तो वो वन चाइना नीति का पालन करता रहा है लेकिन अभी तक ताइवान के साथ उसका औपचारिक कोई संबंध नहीं है। और 1995 में ताइवान और भारत के बीच राजनयिक कार्यालयों की स्थापना की गई तथा इसके कार्यालय वह मुख्य रूप से वाणिज्य, संस्कृति और शिक्षा पर केंद्रित है। और 2010 में चीनी आक्रामकता को देखते हुए भारत ने इसकी वन चाइना नीति का त्याग कर दिया और भारत ने
ताइवान के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौता और द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आता है एक देश दो प्रणाली। एक देश दो प्रणाली सुर्खियों में क्यों? चीन ने हांगकांग पर पुनः नियंत्रण की 25वीं वर्षगांठ मनाई है। उस दौरान उसने एक देश दो प्रणाली के तहत हांगकांग पर चीन के नियंत्रण पर बल दिया है। एक देश दो प्रणाली के बारे में इसे मूल रूप से चीन और ताइवान को एकजुट करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन ताइवान ने इसे अस्वीकार कर दिया था। यह विचार तब फिर से सामने आया जब चीन ने ब्रिटेन और पुर्तगाल के साथ वार्ता शुरू की। तब ब्रिटेन और पुर्तगाल क्रमशः हांगकांग और मकाओ पर औपनिवेशिक शासन कर रहे थे। एक देश दो प्रणाली के बारे में, चीन के अनुसार इस प्रणाली के तहत मुख्य भूमि में चीन का भाग होते हुए भी हांगकांग और मकाओ की अलग अलग आर्थिक राजनीतिक प्रणालियाँ हो सकती हैं। दोनों क्षेत्र चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बन गए हैं और इसकी अपनी अलग अलग मुद्राएं, आर्थिक और कानूनी प्रणालियाँ हैं। हालांकि रक्षा और विदेशी मामलों पर चीन निर्णय लेता है। इसके अलावा हांगकांग के पास सभा करने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, साथ ही कुछ लोकतांत्रिक अधिकार भी हैं जो मुख्य भूमि में उपलब्ध चीन में उपलब्ध नहीं है। इस स्वतंत्रताओं को मूल कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है। मूल कानून एक लघु संविधान है जो हांगकांग और चीन के बीच संबंधों का मार्गदर्शन करता है। मूल कानून 50 वर्षों के लिए मान्य है और यह हांगकांग के लिए 2047 तक और मकाऊ के लिए 2049 तक मान्य होगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसकी अवधि बाद में क्या होगी। अब पढ़ते हैं भारत का दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। भारत पाकिस्तान के बारे में संबंधों के बीच महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर है। यह सीमा भारत के चार क्षेत्रों जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ लगती है। इसके पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कारण कश्मीर के साथ लगती सीमा शामिल नहीं है। भारत पाकिस्तान वर्तमान में 1947 के रेडक्लिफ आयोग द्वारा विभाजन के परिणामस्वरूप रेडक्लिफ आयोग द्वारा निर्धारित की गई थी। दोनों देशों के मध्य लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है और भारत इस द्विपक्षीय व्यापार में अधिशेष की स्थिति है। दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा के आर पार यात्रा की शुरुआत 2005 में हुई तथा जम्मू कश्मीर में व्यापार की शुरुआत 2009 में हुई थी। करतारपुर कॉरिडोर भारतीय श्रद्धालुओं के साथ साथ भारत के विदेशी नागरिक और कार्डधारकों को भी गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है तथा भारत और पाकिस्तान ने 2012 में एक वीजा समझौते पर हस्ताक्षर किए और भारत और पाकिस्तान सार्क G33 और विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य हैं। भारत पाकिस्तान के बीच रहा सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता सुर्खियों में क्यों? भारत ने सिंधु जल समझौता में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद पहली बार इसमें संशोधन करने की प्रक्रिया को शुरू करता है। भारत इस संधि में संशोधन की मांग कर रहा है और भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया है और इसी वजह से पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया है। इसलिए इस नोटिस के जरिए पाकिस्तान को सिंधु जल समझौता के उल्लंघन को सुधारने के लिए अंतर सरकारी वार्ता में प्रवेश करने के विचार हेतु 90 दिन का समय दिया गया है। इस नोटिस संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत जारी किया गया है तथा 12(3) में यह कहा गया है कि इस संधि के प्रावधानों को समय समय पर दोनों सरकारों के बीच विधिवत अनुसमर्थित संधि ऐसे संशोधित किया जा सकता है। जल साझाकरण के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, जिसमें पहला आता है हॉर्मन डॉक्ट्रिन। हॉर्मन डॉक्ट्रिन, इसके अनुसार प्रत्येक देश को अपने जल संसाधनों को संप्रभु अधिकार होता है, साथ ही वह अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर इनका अपने अनुसार उपयोग कर सकता है। दूसरा आता है कैंपियन नियम। ये नियम तर्कसंगत एवं न्यायोचित हिस्से का निर्धारण करते समय जलभृत को सम्मिलित करने का समर्थन करते हैं। दूसरा आता है हेलसिंकी नियम 1996। यह नियम अंतर्राष्ट्रीय जल कानूनों के मूल सिद्धांत के रूप में नदी को साझा करने वाले देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय जल अपवाह बेसिन के जल के तर्कसंगत और न्यायोचित उपयोग के सिद्धांत को स्थापित किया गया। चौथा आता है बर्लिन नियम 2004। ये नियम यह बात समर्थन करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जल अपवाह बेसिन को साझा करने वाले देशों द्वारा जल का प्रबंधन ऐसा होना चाहिए जिससे अन्य संबंधित देशों के हितों को व्यापक हानि ना पहुँचे। अब पढ़ते हैं सिंधु जल समझौते के बारे में। यह क्या है? सिंधु जल समझौता को 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर संधि के तहत किया गया था।
इसमें विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई तथा जिसका उद्देश्य यह सिंधु नदी प्रणाली के जल के उपयोग से संबंधित दोनों देशों के अधिकारों एवं दायित्वों के निर्धारित और सीमित करना होता है। इसमें 6 मुख्य नदियां शामिल होती हैं जिनकी कई सहायक नदियां भी हैं। नदी जल बंटवारे के प्रावधान में पहला प्रावधान पश्चिमी और पूर्वी नदियों में पूर्वी नदियां सतलुज ब्यास रावी का समस्त जल भारत को आवंटित किया गया और साथ ही भारत इसका अप्रतिबंधित उपयोग कर सकता है। पूर्वी नदियों द्वारा वार्षिक रूप से प्रवाहित समस्त जल की मात्रा लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट है और पश्चिमी नदियों के अंतर्गत आती है। सिंधु चेनाब झेलम का जल ज़्यादातर पाकिस्तान के लिए निर्धारित किया गया। पश्चिमी नदियों द्वारा वार्षिक रूप से प्रवाहित जल की मात्रा लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट है जो इस संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं के माध्यम से जल विद्युत उत्पन्न करने का अधिकार है। हालांकि इन परियोजनाओं के डिजाइन और संचालन के लिए विशिष्ट मानदंडों का अनुपालन अनिवार्य होता है। चेनाब नदी की सहायक नदियों पर भारतीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजनाएं पाकुलदुल किरू लोअर कलनाई और रतले हैं। रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना में जल विद्युत उत्पादन संयंत्र द्वारा बहुत कम या किसी प्रकार का जल भंडारण नहीं किया जाता है। सिंधु जल समझौता के तहत 3 चरणीय विवाद समाधान तंत्र हैं जिसमें पहला आता है स्थायी सिंधु आयोग, दूसरा तटस्थ विशेषज्ञ और तीसरा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आता है। हालांकि तटस्थ विशेषज्ञों तथा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की नियुक्ति विश्व बैंक द्वारा की जाती है। हालांकि संधि विश्व बैंक को यह निर्धारित करने का अधिकार नहीं देती कि क्या एक प्रक्रिया को दूसरी प्रक्रिया पर वरीयता दी जानी चाहिए। इसके अन्य प्रावधान में संधि के तहत बांधों, लिंक, नहरों, बैराजों, नलकूपों के निर्माण वित्त पोषण हेतु प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत विशेष रूप से सिंधु नदी पर तारवेला बांध और झेलम नदी पर मंगला बांध का निर्माण किया गया। संधि ने प्रत्येक देश द्वारा आयुक्त के साथ स्थायी सिंधु आयोग का गठन करने का प्रावधान किया है और इस आयोग का उद्देश्य आपसी संचार के लिए एक चैनल बनाए रखना है। साथ ही संधि के कार्यान्वयन हेतु प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना होगा। इसके अलावा विवादों को हल करने के लिए एक तंत्र का प्रदान किया गया है। अन्य देशों के साथ नदी जल बंटवारे हेतु भारत के सहयोग का मौजूदा तंत्र, इसमें जो देश हैं वो सहयोग के लिए तंत्र हैं जिसमें पहला देश आता है भारत और नेपाल। भारत और नेपाल में 1984 में कोसी नदी के तहत नेपाल में तटबंधों की स्थापना और रखरखाव किया गया तथा महाकाली संधि के तहत नदी महाकाली नदी के जल बंटवारे से संबंधित है। भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के जल विज्ञान से संबंधी सूचना के प्रावधान पर समझौता ज्ञापन और सतलुज नदी के संबंध में हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग पर समझौता ज्ञापन, बाढ़ के मौसम में हाइड्रोलॉजिकल डेटा व आपातकालीन प्रबंधन के प्रावधान पर बातचीत और सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र हो विकसित किया। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा संधि उनकी आपसी सीमा के पास फरक्का बैराज का सतही जल साझा करने हेतु समझौता है तथा मानसून के मौसम के दौरान गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी प्रमुख नदियों में बाढ़ पूर्वानुमान डेटा के प्रसारण की प्रणाली का निर्माण किया जाना है। भारत और भूटान के बीच यह साझा नदियों का जल मौसम विज्ञान और बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की स्थापना के लिए व्यापक योजना है तथा बाढ़ प्रबंधन हेतु विशेषज्ञों की एक संयुक्त पहल है। कौन कौन सा देश? भारत भूटान, भारत बांग्लादेश, भारत चीन और भारत नेपाल, इन सब के लिए सहयोग के लिए एक तंत्र विकसित किया गया। अब पढ़ते हैं शिमला समझौता के बारे में। शिमला समझौता के हाल ही में 50 वर्ष पूरे हुए हैं। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षरित हुआ था। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे पड़ोसी संबंधों के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार की थी तथा 1971 के युद्ध के बाद शांति स्थापित करने पर इसके पर हस्ताक्षर किए गए थे। शिमला समझौता के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। इसमें पहला आता है कि दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों को अपनाना होगा। प्रत्यक्ष द्विपक्षीय तरीकों के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पारंपरिक प्रतिबद्धता। तीसरा आता है दोनों देशों के लोगों के मध्य संपर्कों को विशेष ध्यान देने के साथ सहयोगात्मक संबंध निर्मित करना। चौथा, जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं करना और यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे महत्वपूर्ण विश्वास निर्माण उपाय है, साथ ही स्थायी शांति की कुंजी भी है। पांचवा, एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभु समानता का सम्मान करना है। एक ओर जहां भारत ने शिमला समझौते के सिद्धांतों का ईमानदारी से पालन किया है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने शुरुआती वादों पर खतरा नहीं उतरा है।
यह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के मुद्दों को उठाता रहता है, साथ ही इसका समाधान खोजने के लिए तीसरे पक्ष को शामिल करने की मांग करता रहता है या नियंत्रण रेखा का बार बार उल्लंघन करता है तथा शिमला समझौते के अतिरिक्त लाहौर घोषणा पत्र 1999 में ने भी इस बात को दोहराया है कि कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय रूप से हल करने की आवश्यकता है। अब आते हैं चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। चीन और पाकिस्तान ने CPEC परियोजना में शामिल होने के इच्छुक तीसरे देश को आमंत्रित करने का फैसला किया। दोनों देश अफगानिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजनाओं का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, यह एक बुनियादी ढांचा परियोजना है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर बंदरगाह को चीन के उत्तर पश्चिमी सिंजियांग क्षेत्र से जोड़ती है। इस मांग की लंबाई 3000 किलोमीटर है तथा यह है समझौता चीन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को 2013 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप की भूमि तथा समुद्री मार्गों के नेटवर्क को जोड़ना होता है। यह CPEC चीन को ग्वादर बंदरगाह में मध्य पूर्व तथा अफ्रीका तक मार्ग पहुंचने का उपलब्ध कराएगा, साथ ही यह चीन को हिंद महासागर तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। बदले में चीन पाकिस्तान को ऊर्जा संकट से उभरने तथा लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने हेतु पाकिस्तान के विकास परियोजनाओं में सहयोग करेगा। भारत ने कई बार CPEC पर अपना विरोध दर्ज कराया है। अब आता है गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र सुर्खियों में क्यों। हाल ही में ईंधन, भोजन और बिजली की कमी को लेकर गिलगित बाल्टिस्तान में प्रदर्शन हुए हैं। इसका इतिहास देख लेते हैं। पूर्व में गिलगित क्षेत्र जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था और 1949 में भारत पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर की अस्थायी सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान का प्रशासन पाकिस्तान को सौंप दिया था। भारत ने 2021 में पाकिस्तान द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के प्रयास की आलोचना की थी और भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर के कानूनी पूर्ण और अपरिवर्तनीय विलय के आधार पर गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के अनुशासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं तथा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा समझौते के आलोक में भारत के लिए सामरिक महत्वपूर्ण महत्व बढ़ गया है। अब इसका नेक्स्ट पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में, भारत और बांग्लादेश के बीच सुर्खियों में क्यों। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने आपसी सहयोग और आगे बढ़ाने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में पहला आता है, भारत और बांग्लादेश की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096 किलोमीटर है। यह सीमा भारत के असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों के साथ लगती है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है और इसके अलावा भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 18 अरब डॉलर का है। बांग्लादेश भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है तथा हाल ही में भारत ने रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन के लिए बांग्लादेश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट की पेशकश की है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत और बांग्लादेश ने 1972 में शांति व मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे तथा भारत और बांग्लादेश के साथ चंगवन ट्रांसबाउंड्री नदियों को साझा करता है। साथ ही दोनों देशों के बीच तीस्ता, गंगा, बराक नदी पर तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना सहित कई जल नदी जल विवाद भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग दोनों देशों में सार्क में दोनों देश शामिल हैं, बिम्स्टेक, BBIN, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल ऑर्गेनाइजेशन तथा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आदि में, यानी यह अंतर्राष्ट्रीय मंचों को साझा करते हैं तथा भारत और बांग्लादेश के बीच जो पहले और घोषणाएं हुई हैं उनके अंतर्गत क्या क्या पहले हुई हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। पहली आती है व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौता, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दोनों पक्ष जल्द ही इस वार्ता स्टार्ट करेंगे तथा यह एक द्विपक्षीय समझौता होता है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की व्यापार, निवेश, प्रतिस्पर्धा तथा IPR को शामिल किया जाता है। वाटर शेयरिंग या जल साझाकरण के संदर्भ में, कुशियारा नदी के जल साझाकरण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए तथा 1996 में जल संधि के बाद इस प्रकार का यह पहला समझौता है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बारक नदी तथा कुशियारा नदी, बराक नदी कुशियारा और सुरमा नदी में विभाजित हो जाती है। कुशियारा बराक की एक शाखा अस्तित्व में आती है। कनेक्टिविटी परियोजनाएं भारत और बांग्लादेश के बीच,
इसमें पहली आती है रूपसा पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल खुलना मंगला बंदरगाह रेल परियोजना का हिस्सा है। दूसरा आता है खुलना दर्शना रेलवे लिंक परियोजना। वर्तमान गेंदी दर्शना भारत से खुलना के मतलब गेंदी वर्तमान में दर्शना भारत से खुलना बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जा रहा है। पार्वतीपुर केनिया रेलवे लाइन पहले से मौजूद बिरोल बांग्लादेश और राधिकापुर पश्चिम बंगाल क्रॉस बॉर्डर रेल से जुड़ेगी। और अन्य खुलना के रामपाल में मैत्री विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इसे रियासत वित्त पोषण योजना के तहत भारतीय विकास सहायता के रूप में स्थापित किया जा रहा है तथा इसके तहत वित्त पोषण योजना के तहत भारत सरकार विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं का समर्थन करती है। अब देखते हैं भारत और नेपाल के बीच सहयोग संबंधों के बारे में सुर्खियों में क्यों। भारत और नेपाल के बीच 8 समझौते किए गए। इन समझौते के तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर बात हुई, निर्णय लिए गए, जिसमें पहला आता है रेलवे के क्षेत्र में। रेलवे में बिहार की जयपुर जयनगर को नेपाल के कुर्था से जोड़ने वाली 35 किलोमीटर लंबी सीमा पार रेलवे लाइन की शुरुआत की गई है। यह दोनों देशों के बीच पहली ब्रॉडगेज यात्री रेल संपर्क सेवा है। दूसरा आता है विद्युत के क्षेत्र में। विद्युत के क्षेत्र में भारत ने सोलू कॉरिडोर नेपाल को दे दिया है। यह 90 किलोमीटर लंबी और 132 किलोवाट क्षमता वाली विद्युत ट्रांसमिशन लाइन है। इसे भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत निर्मित किया गया है, जो कटैया कुहासा और रक्सौल परवानीपुर सीमा पार विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन करेगा। दोनों पक्ष पंचवर्षीय बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाएंगे। तीसरा आता है कनेक्टिविटी। दोनों पक्षों ने मेची नदी पर एक पुल के निर्माण के लिए एक समझौता किया था। यह पुल एशियाई विकास बैंक के एशियाई दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सड़क कनेक्टिविटी कार्यक्रम का एक हिस्सा है। नेपाल भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। नेपाल में भारत के रुपये कार्ड को लॉन्च किया गया है और रुपये कार्ड का संचालन भूटान सिंगापुर और यूएई में पहले से जारी है। मतलब पहले से देशों रुपये कार्ड का संचालन कहाँ कहाँ हो रहा है, भूटान में, सिंगापुर में और यूएई में, और वर्तमान में अभी नेपाल को इसमें लॉन्च किया गया है। हालिया घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र। भारतीय प्रधानमंत्री ने नेपाल के लुम्बिनी में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखी और इसकी स्थापना भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कर रहा है। दूसरा आता है सिस्टर सिटी। दोनों देश लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली और कुशीनगर भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल के बीच सिस्टर सिटी संबंध स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। तीसरा आता है सप्तकोसी बांध परियोजना। सप्तकोसी उच्च हाई एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके तहत सप्तकोसी नदी पर निम्नलिखित उद्देश्यों से बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें दक्षिण पूर्वी नेपाल उत्तरी बिहार में बाढ़ नियंत्रण तथा जल विद्युत का उत्पादन होगा। भारत पश्चिमी और पूर्वी नेपाल में क्रमशः महाकाली संधि जो 6480 मेगावाट की है, अपर कर्णाली परियोजना जो 900 मेगावाट की है और अरुण थर्ड परियोजना जो 900 मेगावाट की है जैसी अन्य परियोजनाओं में भी शामिल है। चौथा आता है पश्चिमी सेती और सेती नदी परियोजना है। हाल ही में नेपाल और भारत ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और यह है मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग पश्चिमी सेतु और सेती नदी परियोजनाओं को विकसित करने से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि पहले इन परियोजनाओं को नेपाल चीन के साथ पूरी करने वाला था और वर्ष 2018 में पुनर्स्थापना तथा पुनर्वास के मुद्दों को हवाला देते हुए चीन इन परियोजनाओं से पीछे हट गया था तथा यह कर्णाली नदी की एक सहायक नदी है। अब आता है पांचवा जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन। जैव विविधता के क्षेत्र में भारत में नेपाल से लगे निम्नलिखित सीमा पारीय संरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें पहला आता है कंचनजंगा संरक्षित क्षेत्र, दूसरा आता है तराई ऑर्क लैंडस्केप और तीसरा आता है पवित्र हिमालयी भूदृश्य आता है। भारत नेपाल संबंध के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इसमें भारत और नेपाल लगभग 1800 किलोमीटर लंबी खुली सीमा साझा करता है और यह सीमा भारत के पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम राज्यों के साथ लगती है। दूसरा आता है 1950 में भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि की गई और यह संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष संबंधों को आधारशिला है। भारत में लगभग 80 लाख नेपाली नागरिक रहते हैं और इस अभिसंधि के प्रावधानों के अनुसार भारतीय नागरिकों के समान सुविधाओं के अवसर को लाभ उठाते हैं।
भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 7 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य का है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत नेपाल की सीमा के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान कर रहा है, साथ ही दोनों देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का भी आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऊर्जा सहयोग, दोनों देशों के मध्य 1971 में विद्युत विनिमय समझौता संपन्न हुआ है और इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करना है। भारत ने दक्षिण एशिया की पहली सीमा पारीय पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण और वित्त पोषण किया है। यह पाइपलाइन भारत के मोतिहारी जिले को नेपाल के अमलेखगंज से जोड़ती है। स्वामी विवेकानंद भारतीय सांस्कृतिक केंद्र काठमांडू नेपाल में उत्कृष्ट भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है और दोनों देश BBIN, बिम्स्टेक, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और सार्क जैसे बहुपक्षीय मंचों के आपस में साझा करते हैं। और सीमा विवाद में काला पानी नेपाल और चीन और भारत के त्रिशंगम पर अवस्थित है और वर्तमान में यह भारत के नियंत्रण में है, लेकिन ऐतिहासिक मानचित्रण कारकों के आधार पर नेपाल इसे अपना राज्य क्षेत्र बताता है। अब इसका नेक्स्ट पड़ोसी देश भारत और श्रीलंका के बारे में, भारत के जो तीन अन्य पड़ोसी देश हैं जो भारत से समुद्री सीमा साझा करते हैं, जिसमें आता है श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया। श्रीलंका के बारे में, भारत और श्रीलंका ने कोलंबो में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंतर्गत एक अत्याधुनिक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे संबंधित समझौता समुद्री बचाव समन्वय केंद्र संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का एक हिस्सा है। ये केंद्र आपात स्थिति में शीघ्र कार्यवाही के उद्देश्य से समुद्री मार्गों की निगरानी करते हैं, जैसे संकट में फंसे जहाजों, लोगों को बचाना, उसकी निकासी करना, तेल रिसाव जैसे पर्यावरणीय आपदाओं की रोकथाम और नियंत्रण करना आदि होता है। इसके तहत प्रत्येक देश स्वयं के खोज और बचाव क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है तथा समुद्री बचाव समन्वय केंद्र को प्रत्येक देश में नौसेना या तटरक्षक बल द्वारा समन्वित किया जाता है और भारत में तटरक्षक बल समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की समन्वय की एक एजेंसी है। भारत और श्रीलंका के बीच महत्वपूर्ण तथ्य, भारत और श्रीलंका ने सन 2000 में भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका सार्क के अंतर्गत भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदार देशों में से एक है। भारत श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। श्रीलंका भारत के प्रमुख विकास भागीदारों में से एक है और भारत अब तक श्रीलंका को अनुदान सहायता के रूप में लगभग 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान कर चुका है। श्रीलंका में भारत की प्रमुख अनुदान आधारित परियोजनाओं में शामिल है भारतीय आवास योजना और संपूर्ण देश में 1990 में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा। बौद्ध धर्म अशोक के समय से ही दोनों राष्ट्रों को जोड़ने वाला सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। यह महान सम्राट अशोक कि नए श्रीलंका के राजा देवनागरी के अनुरोध पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए अपने पुत्र अरहत माहिंद और अपनी पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, 1998 में एक अंतर सरकारी पहल के रूप में इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य नागरिक समाज के योगदान प्रदान के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सहयोग और दोनों देशों की युवा पीढ़ियों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने श्रीलंका के पर्यटकों के लिए एक पी पर्यटक सेवा वीजा सेवा की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका सार्क, बिम्स्टेक, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र जैसे कई बहुपक्षीय समूहों में सदस्य हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कच्चा टीपू द्वीप के बारे में, कच्चा टीपू द्वीप सुर्खियों में क्यों, प्रधानमंत्री की तमिलनाडु यात्रा के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने श्रीलंका के कच्चा टीपू द्वीप पर पुनः प्राप्त करने के लिए आग्रह किया है। कच्चा टीपू द्वीप के बारे में, यह पाक जल संधि में एक छोटा सा निर्जन द्वीप है जो यह बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। यह द्वीप 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निर्मित हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित किया गया तथा कच्चा टीपू द्वीप का मुद्दा तब उभरा जब दोनों देशों ने 1976 के बीच 4 समुद्री सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत और श्रीलंका समझौते के अनुसार यह द्वीप श्रीलंका का हिस्सा बन गया था तथा द्वीप से संबंधित विवाद यह है कि श्रीलंका भारतीय मछुआरों को यहाँ आराम करने और अपने जाल को सुखाने से प्रतिबंधित करता है, जबकि 1974 के समझौते के तहत उपयुक्त सुविधाओं को प्रावधान में किया गया था। नेक्स्ट आता है भारत और अफगानिस्तान के बारे में, भारत और अफगानिस्तान सुर्खियों में क्यों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के लगभग 10 माह बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोल दिया गया।
तालिबान की सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में भारत की भूमिका से जुड़े तथ्य में इसमें पहला आता है कि भारत ने पाकिस्तान तालिबान के सत्ता में आने की बात अफगानिस्तान से अपने नागरिकों और अफगानिस्तान के अन्य भागीदारों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया था। दुशांबे तजाकिस्तान में अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया था और इसमें भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने आतंकवाद से निपटने हेतु अफगानिस्तान की क्षमता को बढ़ाने का आह्वान किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके पहले भारत तालिबान के साथ किसी भी प्रकार की वार्ता के साथ खिलाफ कड़ा रुख अपनाता रहा है। हालांकि अपने स्वयं के भू सामरिक और राजनीतिक हितों को देखते हुए भारत तालिबान के साथ अपनी शर्तों पर संपर्क बना रहा है। अन्य बचाव अभियान कौन कौन से, जिसमें अभी हाल ही में तो जो तालिबान के संपर्क में आने के कारण तो ये वाला ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया गया है, जिसमें पहले और कौन बचाव अभियान चले हैं। पहला था ऑपरेशन सुकून जो 2006 में चलाया था, जो युद्ध प्रभावित लेबनान से भारतीय श्रीलंका या नेपाली नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। दूसरा आता है ऑपरेशन सेफ होमकमिंग 2021 लीबिया 2011 लीबिया में गृह युद्ध के बाद भाग रहे भारतीय नागरिकों के लिए निकालने के लिए। ऑपरेशन राहत 2015 में संघर्ष प्रभावित यमन से भारतीय विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए। चौथा ऑपरेशन गंगा 2022 यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए यह बचाव अभियान चले थे। भारत और अफगानिस्तान के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, भारत अपने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जरिए अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारत और अफगानिस्तान के संबंध रहे तथा भारत अफगानिस्तान के बीच 1949 में मैत्री संधि की गई थी। भारत अफगानिस्तान एक प्रमुख निर्यात गंतव्य है और भारत अफगानिस्तान में एक तरजीही व्यापार पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो इस समझौते के भारत ने अफगानिस्तान से सूखे मेवे की कुछ किस्मों के लिए 50 से 100% तक की शुल्क संबंधी पर्याप्त रियायतें प्रदान की हैं। भारत अब तक अफगानिस्तान को सबसे अधिक अनुदान प्रदान करने वाले देशों में से एक है और 2017 में भारत और अफगानिस्तान के बीच एयर फ्रंट कॉरिडोर की शुरुआत की गई थी। 2002 से 2021 तक भारत ने अफगानिस्तान में विकास सहायता के रूप में $4 बिलियन खर्च किए हैं और इसके निम्नलिखित शामिल हैं। पहला आता है काबुल में अफगानिस्तान की संसद का निर्माण, दूसरा सलमा बांध का पुनर्निर्माण, तीसरा जरांग दिलाराम सड़क का निर्माण आदि। अब आता है भारत और मालदीव के संबंधों के बारे में। हाल ही में भारत और मालदीव ने हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, सामुदायिक आवास आदि के क्षेत्र में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हालिया घटनाक्रम, भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए $100 मिलियन की नई लाइन का अपग्रेडेड की भी घोषणा की है तथा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भारत द्वारा वित्तपोषित एक अवसंरचना परियोजना है जो मालिक को उसके नजदीकी द्वीपों बिलिंगली, गुल्फेपाऊ और थिलाफूसी से जोड़ती है। दोनों देशों ने समुद्री क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए भारत से क्रेडिट लाइन के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और मालदीव कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का हिस्सा है, इसे भारत ने शुरू किया है। इस कॉन्क्लेव में श्रीलंका और मॉरिशस के साथ हिंद महासागर में शांतिपूर्ण सहयोग की परिकल्पना की गई है। हाल ही में मालदीव के अट्टू सिटी में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड एनफोर्समेंट का उद्घाटन किया गया और इसे मालदीव ने भारत की सबसे बड़ी अनुदान परियोजना के रूप में स्थापित किया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने इंडिया आउट अभियान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इंडिया आउट दुष्प्रचार को एक संगठित अभियान माना जा रहा है। इसका उद्देश्य अशांति उत्पन्न करने वाले देशों के बीच संबंधों को बाधित करना है तथा भारत विरोधी इस अभियान का एक और कारण 2021 में भारत द्वारा मालदीव के तटरक्षक बल के लिए उथरू थुला फलू एटोल का एक बंदरगाह विकसित करने हेतु द्विपक्षीय सहयोग है। मालदीव ने यह अफवाह फैलाई गई है कि वहां भारतीय सैन्यकर्मियों को तैनात किया जाएगा। भारत और मालदीव के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, भारत और मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है तथा 2021 में पहली बार दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता $300 बिलियन का आंकड़ा रहा। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में मालदीव का विशेष स्थान है। भारत मालदीव ने मिनिका द्वीप में राजनीतिक रूप से विवादास्पद मुद्दे को 1976 के समुद्र सीमा संबंधी संधि माध्यम से हल कर लिया है और इस संधि के माध्यम से मिनिकाय को भारत के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। 2016 में भारत मालदीव में रक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक्वेरिन भारतीय और मालदीव सेना के बीच आयोजित किया जाने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मालदीव भारत के सागर मिशन का एक हिस्सा है।
अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में पहली आती है ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। यह नेटवर्क भारत और चीन दोनों इस नेटवर्क को बनाने के लिए सहमत हुए हैं। ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशन कनेक्टिविटी नेटवर्क के बारे में, यह ट्रांस हिमालय नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। इस आर्थिक गलियारे को 2019 में नेपाल और चीन के बीच चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इस गलियारे के उद्देश्य बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे, विमानन और संचार में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, जिससे चीन और शेष दक्षिण एशिया के बीच एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करना है। चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल, यह चीन द्वारा प्रस्तावित पहल है। चीन के अनुसार नई वैश्विक सुरक्षा पहल शीत युद्ध की मानसिकता, आधिपत्यवाद, सत्तावादी राजनीति और गुटों के टकराव के खिलाफ कार्य करेगी। और यह पहल संयुक्त राज्य अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति क्वाड जो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान समूह का हिस्सा है, ओकस को प्रतिसंतुलित करेगी। अब आता है पार्कुपाइन स्ट्रेटजी। ताइवान चीन द्वारा उस पर हमला किए जाने की स्थिति में जवाबी कार्रवाई के लिए पार्कुपाइन स्ट्रेटजी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पार्कुपाइन असहमति युद्ध की एक रणनीति है, जो कमजोर देश का रक्षा तंत्र अपनी रणनीति शक्ति बढ़ाने की बजाय शत्रु देश की कमजोरी को निशाना बनाता है। इस रणनीति को 2008 में अमेरिकी प्रोफेसर विलियम एस मरी ने प्रस्तावित किया था। इस रणनीति द्वारा ताइवान अपने रक्षा तंत्र को इतना मजबूत करना चाहता है कि उस पर हमला करने वाले किसी हमलावर देश को भारी क्षति उठानी पड़े। स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस प्रोजेक्ट, यह भारत और चीन के बीच तनाव सिंह परियोजनाओं में शामिल भारतीय वैज्ञानिकों के लिए चिंतित कर रहा है। यह परियोजना भारतीय तारा भौतिकी संस्थान और रूसी विज्ञान अकादमी के बीच एक सहयोग है। यह तियोंगोंग के लिए पेलोड डिजाइन करने पर केंद्रित है। स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस मुख्य रूप से एक स्पेक्ट्रोग्राफ को भेजने और उसकी अवस्थिति से संबंधित है। स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा उपकरण होता है जो पराबैंगनी विकिरणों का अध्ययन करने के लिए प्रकाश को घटक आवृत्तियों और तरंग दैर्ध्य को विभाजित करता है। अब आता है वुल्फ वॉरियर कूटनीति। चीन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु चीन के राजनीतिकों द्वारा आक्रामक तरीके के उपयोग को वुल्फ वॉरियर कूटनीति के रूप में जाना जाता है। वुल्फ वॉरियर कूटनीति, ये इसके तहत सोशल मीडिया सहित सार्वजनिक मंच पर आक्रामक विरोधपूर्ण शत्रुतापूर्ण कूटनीति का उपयोग करना है। China+1 रणनीति, भारत China+1 रणनीति के हिस्से के रूप में सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। China+1 एक व्यावसायिक रणनीति है। इसके तहत कंपनियां केवल चीन में ही निवेश करने से बचने और चीन से अन्य देशों में निवेश करने की रणनीति अपना रही हैं और इसे 2018 में लोकप्रिय होना शुरू हुई थी। एशियाई समाशोधन संघ RBI ने श्रीलंका के साथ किए जा रहे व्यापारिक लेनदेन सहित पात्र चालू खाता लेनदेनों को निपटान हेतु अधिसूचना जारी की है। इसके तहत लेनदेन का निपटान एशियाई समाशोधन संघ प्रणाली के बाहर किसी भी स्वीकृत मुद्रा में लिया जा सकता है। इस प्रकार निपटान अगली अधिसूचना जारी होने तक किया जाता रहेगा। सुर्खियों में रहे स्थल भारत और उसके पड़ोसी देशों के, जो हमने अभी इनके बारे में पढ़ा हुआ है। इसमें पहला स्थल आता है बेस्ट सेती डैम, पश्चिमी सेती बांध। यह भारत और नेपाल के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। यह है पश्चिमी सेती और सेती नदी परियोजनाओं को विकसित करने से संबंधित है। सेती अर्थात सफ़ेद नदी को सेती गंडकी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी नेपाल में प्रवाहित होने वाली नदी है। यह अन्नपूर्णा गिरिपिंड से निकलती है और यह देवघाट क्षेत्र के निकट त्रिशूली नदी में मिलने से पूर्व महाभारत रेंज से होकर गुजरती है और यह त्रिशूली के बाएं किनारे पर एक सहायक नदी है। लुम्बिनी नेपाल दूसरा। पिछले कुछ दशकों में यह पहली बार है कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी का दौरा किया है और यह भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में इस सूची में शामिल है। तीसरा आता है गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र। यह क्षेत्र भारत और चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटना शुरू कर दिया है और इसके पीछे चीन ने देपसांग मैदानों सहित हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट ने अपने सैनिकों को हटाने से मना कर दिया था और ये क्षेत्र दोनों पक्षों के बीच टकराव के बिंदु बने हुए हैं।
गोगरा पॉइंट PP-15 हॉट स्प्रिंग नामक क्षेत्र में स्थित है, जबकि PP-17 ए गोगरा पोस्ट नामक क्षेत्र के पास स्थित है। नेक्स्ट आता है दरबुक सियोक दौलत बेग ओल्ड रोड। यह सड़क मार्ग लेह को लकाराकुरम दर्रे से जोड़ता है। यह लद्दाख को चीन के सिंजियांग प्रांत से अलग करता है। इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है। पेंगोंग त्सो, इसे विदेश मंत्रालय ने 2020 के सीमावर्ती गतिरोध वाले स्थल के रूप में पेंगोंग त्सो झील पर एक दूसरे के पुल निर्माण की पुष्टि की है। यह पोंगलंग त्सो तिब्बती भाषा में अधिक उच्च घास वाली झील होती है। यह भारत चीन सीमा पर हिमालयी श्रृंखला में 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। सिंकुला दर्रा सीमा सड़क संगठन सिंकुला दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करेगा। यह निर्माण 2025 तक योजक परियोजना के तहत किया जा रहा है। यह हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी। यह लद्दाख की जोस्कर घाटी और हिमाचल की लाहौल स्पीति घाटी के मध्य अवस्थित है और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग अटल सुरंग रोहतांग में अवस्थित है। अब आता है नेक्स्ट माड़ाला या माड़ा दर्रा उत्तराखंड। यह प्रधानमंत्री ने माना गांव चमोली जिला में माना दर्रे की कनेक्टिविटी परियोजना के आधारशिला रही है। माना दर्रे के बारे में, माना दर्रा 18192 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत चीन की सीमा के बिंदु के बीच अंतिम बिंदु है। यह भारत और तिब्बत के बीच एक प्राचीन व्यापार मार्ग है। डुगरी ला के नाम से भी जाना जाता है। यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित है। माना गांव सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ भूटिया या मंगोल जनजाति लोग रहते हैं। अब आता है नेचिफू सुरंग। सीमा सड़क संगठन ने नेचिफू सुरंग के उत्खनन के कार्य को समापन के लिए सफलतापूर्वक विस्फोट किया। नेचिफू सुरंग बालीपारा चारदुआर तवांग रोड पर बनाई जा रही है। यह असम के बालीपारा के को चीन की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जुड़ेगी। इसके उत्खनन को BRO प्रोजेक्ट के तहत पूरा किया गया है। यहाँ पर हमारा भारत और उसके पड़ोसी देशों का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।